disqualify me. Disqualify me for life. Put me inside jail. I will keep going. I will not stop. अब जनता के माइंड में यह सवाल उठा है कि इस भ्रष्ट व्यक्ति को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री क्यों बचा रहा है। दर्शकों नमस्कार, दिल दिल्ली देश में आपका स्वागत है। तो अभी आप सुन रहे थे राहुल गांधी को। राहुल गांधी की सदस्यता, लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी गई है और इसे खत्म करने पर बहुत तरह के सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत से सवाल घूम रहे हैं। सूरत की एक अदालत ने उन्हें मोदी सरनेम से जुड़े अवमानना के मामले में 2 साल कैद की सजा सुनाई। हालांकि अदालत ने उन्हें 30 दिन की मोहलत देते हुए उच्च अदालत में अपील करने का मौका दिया, लेकिन ठीक इस फैसले के अगले दिन उनकी सदस्यता, लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी गई। इस तरह की सूचना जारी कर दी गई। इस पर सबसे बड़ा सवाल ये उठाया जा रहा है कि जब अदालत उन्हें 1 महीने का समय दे रही थी तो फिर ऐसी क्या जल्दी थी कि उनकी सदस्यता खत्म की गई। जाहिर है कि इसे राजनीति से प्रेरित माना जा रहा है। कुछ इस तरह के मीम चल रहे हैं, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं कि चोर चोरी करने आ रहा है और वो मालिक को जागने पर धमका रहा है कि शोर मत मचाइएगा, जानते हो चोर चोर कहने पर 2 साल की सजा है। तो ये सब मीम तो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। वास्तविक स्थिति क्या है, इसका क्या प्रभाव है और इससे कौन से सवाल उठ रहे हैं? क्या वो सवाल भाजपा चाहती है कि वो खत्म कर दिया जाए या वो सवाल हो जाए, तो क्या ऐसा संभव है? दूसरी ओर भाजपा ने इस पूरे मुद्दे को OBC से जोड़ा है। उसका गणित तय है, पूरी कैलकुलेटेड तरीके से भाजपा के दो नेताओं ने यह आरोप लगाया है। जिस तरह से मोदी सरनेम की अवमानना राहुल गांधी ने की है वह OBC समुदाय का अपमान है। और OBC समुदाय का अपमान, ये वाक्य इस वक्त बहुत मायने रखता है क्योंकि आगे कर्नाटक के चुनाव हैं और कर्नाटक में 51% से ज़्यादा OBC वोट हैं और इस वोट पर जाहिर है कि भाजपा की नज़रें हैं। भाजपा को वहां से सिद्धारमैया से कांग्रेस से चुनौती मिल रही है और जनता दल SP लिंगायत वोटों के जरिए उस भाजपा के बहुत से मंसूबों पर पानी फेर सकता है। ऐसे स्थिति में वहां मजबूत रणनीति की ज़रूरत है और इस रणनीति के तहत क्या राहुल गांधी का इस्तेमाल भाजपा ने बड़ी ही चतुराई और चालाकी से किया है? फिलहाल तो ऐसा प्रतीत होता है जब हम भाजपा के नज़रिए से देखते हैं कि उसकी एक पूरी कैलकुलेशन है, एक नपी तुली चुनावी रणनीति है वो कर्नाटक चुनाव के लिए। भाजपा की यही रणनीति है कि पूरा मामला OBC बनाम कांग्रेस कर दिया जाए ताकि पूरा फायदा कर्नाटक में उठाया जा सके। दूसरी ओर सबसे बड़े सवाल इस फैसले पर उठ रहे हैं, क्या ये लोकतंत्र के लिए खतरा है? विपक्ष के सबसे प्रमुख नेता की सदस्यता अचानक खत्म कर देना बिना मौका दिए, क्या ये लोकतंत्र के लिए खतरा है? इस तरीके से बहुत से पत्रकार भी सोच रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया में भी इस तरह की चर्चा चल रही है कि ये क्या लोकतंत्र, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए कोई खतरा है क्या? कांग्रेस भी इसी लाइन पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के सारे नेता इसे तानाशाही प्रचारित कर रहे हैं। कांग्रेस को लग रहा है कि भाजपा ने सबसे बड़ी भूल कर दी है, राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करना भाजपा को भारी पड़ सकता है। मगर सबसे ज़्यादा मायने रखता है जनता का नज़रिया। जनता में भी ये भावना काम कर रही है कि ये सही नहीं हुआ है। जिस तरह से राहुल को सजा दी गई और तत्काल ही सदस्यता रद्द कर दी गई, ये सही नहीं हुआ है। और इसकी एक बड़ी वजह जो मानी जा रही है वो मानी जा रही है कि कांग्रेस संसद में लगातार मांग कर रही है कि राहुल गांधी को बोलने दिया जाए और अडानी के मसले पर जो हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट दी थी उसमें सवाल उठाए गए थे अडानी समूह की कंपनियों में कि अडानी समूह की कंपनियां सेल कंपनियों की मदद से एक बड़ा खेल खेल रही हैं, निवेशकों के साथ धोखा कर रही हैं। तो इस संबंध में कांग्रेस अड़ी हुई है लोकसभा में बजट सत्र के दूसरी पारी में कि अडानी के मामले पर JPC का गठन हो। भाजपा ऐसा नहीं चाहती है,
और राहुल गांधी का बयान दर्ज होना था और वो लगातार चूंकि उन्होंने स्पीकर से इसकी मांग की थी और अगर वो बयान दर्ज हो जाता है तो वो ऑफिशियली रिकॉर्ड में ये चढ़ जाता अडानी के मुद्दे पर और भाजपा ये नहीं चाहती थी कि प्रधानमंत्री पर सीधे आरोप दर्ज हो जाए। इसलिए ये संभावना जताई जा रही है कि पूरा खेल जो खेला गया है वो सिर्फ अडानी मुद्दे पर अपनी खाल बचाने के लिए खेला गया है। तो बहुत सारे सवाल हैं इस मामले में, देखते हैं ज्यों ज्यों बात आगे बढ़ती है, ज्यों ज्यों दिन बीतते हैं सच सामने आएगा। सच की सबसे बड़ी खूबी यह है कि उसे छुपाया नहीं जा सकता, वहां देर हो सकती है मगर अंधेर नहीं है। तो आज दिल दिल्ली देश में इतना ही, जल्द ही ऐसे ही विषय पर, गर्मा गर्म विषय पर चर्चा के लिए फिर मिलते हैं। धन्यवाद। मगर ये बात मेरे खून में, मैं और कोई रास्ता निकाल ही नहीं सकता हूँ, तो मेरा काम ये है, ये मेरी तपस्या है, जीवन की तपस्या है। इस देश ने मुझे सब कुछ दिया है, प्यार दिया है, इज्जत दी है, इसलिए मैं ये करता हूँ।